लगी। ये देखो दोस्तों, कावड़ तो आपने बहुत देखी होगी लेकिन ऐसी कावड़ नहीं देखी होगी। ये देखे श्री राम भगवान जी का झंडा और तिरंगा झंडा दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं बोले, और बोले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं बोले, कोई दिक्कत तो नहीं बोले, नहीं बोले तो बात कर लो थोड़ी देर रुक के, कोई दिक्कत नहीं बोल। शंकर भगवान की बोले, ये देखो कितने कष्टों वाली कावड़ है आपकी बोले कावड़। और दोस्तों ये कावड़ देखिए जिसके हम आपको दर्शन कराएंगे, अभी बोले से बात करते हैं। बोले का सबसे पहले नाम बता दो बोले जी। सुमित कुमार। अच्छा कहाँ के बोले आप? महल का। थोड़ा सा माइक नजदीक। महल का, महल का। महल कहाँ पे है? ये सकोती के पास, लावड़ के पास में है। अच्छा, अच्छा सकोती के पास में। और ये बोले भी साथ में ही आपके? है साथ में। दोनों ही है? नहीं और बोले आ रहे हैं पीछे। अच्छा और बोले आ रहे हैं। ये कावड़ के किसने बनाई, कैसे बनाया? पूरा घर बना दिया बोले? छोटे भाई ने बनाया। छोटे भाई ने? अच्छा घर से ही ऐसे ही चले थे लेके? ना यही तैयार करा है हरिद्वारी। अच्छा हाथ से ही चला के गए? हाँ। इधर से भी और उधर से भी? उधर से। कोई सहारा नहीं लगाता बोला? नहीं सहारा तो सब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ किसी भी तरह की? अच्छा बोले पहली कावड़ है इस तरह के भी लेकर? हर बार ही लेकर आता हूँ। हर बार? अरे वाह, पहले भी पता नहीं वीडियो बनाई होगी, हमने पता नहीं बनाई। हर बार ही लेकर आऊँ बोले ऐसी। तो दोस्तों देखिए बोला जो है, किसी तेल किसी का तेल नहीं लगना, खुशी लगना, बस बोले कि मेहनत है, मेहनत से कावड़ ला रहे हैं। और देखिए सबसे मेन बात तिरंगा झंडा, बोले नाथ की भक्ति भी कर रहे हैं, देशभक्ति भी कर रहे हैं, और ये भाई भी है साथ में बोले। आपका नाम क्या बोले? आशीष कुमार। अच्छा आशीष कुमार आपके? अच्छा एक ही गाँव के हैं बोले। पहली कावड़ है, इससे पहले भी कावड़ लेके आए आप? मैं तो बोले हर साल ही ऐसी लगता हूँ। हर साल इसी तरह की? इसी तरह से। कितने साल हो गए लाते हुए आपको? आठ नौ साल हो गए। आठ नौ साल? अच्छा वाह बोले, बड़े बड़ी भक्ति कर रहे हैं बोले ना आपकी आप तो। तो बोले जी जैसे आप कावड़ लेके आते हैं, इतने कष्टों वाले कावड़ लाते हैं, मैं तो मुझे तो मानता नहीं इससे कष्टदायी कोई कावड़ होगी। तो बोले से कुछ मांगा, कोई मनोकामना पूरी हुई है? नहीं ये लिए है? नहीं हुई अब तक? नहीं बताओ। अच्छा कोई मनोकामना हो बता दो, ये जो देखने वाले है ना, जो देखने वाले है ना, कम से कम वे तो प्रार्थना करेंगे आपके लिए, क्योंकि प्रार्थना में ज्यादा बल होता है, भक्ति से ज्यादा प्रार्थना में बल होता है। वाह बोले सही बतलाऊं तो मैं अपनी शादी के लिए ही जा रहा हूँ बराबर। अरे वाह बोले वाह। दोस्तों ये देख सकते हैं बोले के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करना, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बोले से जो है कुछ भी मांग सकते हैं हम, हमारा अधिकार है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है क्या वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते है? नहीं इसमें शर्माने क्या बात है, कोई शर्माने भूल के कहो जो भी कहना है। बोले ना आपकी भक्ति कर रहे हैं हम, किसी की चोरी थोड़ा कर रहे हैं। सही बात है। नहीं सही है। अगर डर होना चाहिए चोरी जारी में, बोले ना आपकी भक्ति में इसमें कोई डर नहीं है, मनोकामना में कोई डर नहीं है, कोई डर मनोकामना मांगो। अच्छा बोले जी कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई आपके? मेरी हो गई जी पौने 300 किलोमीटर है। पौने 300 किलोमीटर की? पौने 300 किलोमीटर हरी हरिओम यात्रा। दोस्तों कावड़ यात्रा 2024 की सबसे खूबसूरत वीडियो हम आपको दिखाएंगे। देखिए त्रिशूल वाली कावड़ लाया है बोला। आइए पहले बोले के बारे में जान लेते हैं। बोले नाम बता दो थोड़ा, अपना माइक ऊपर कर लो। मेरा नाम अंकित कुमार है। अच्छा कहाँ के बोले? गांव मथौर। कहाँ पे? गांव मथौर। अच्छा ये मेरठ के पास में? पूरा महादेव जाएगी। मेरठ के पास में जी। अच्छा पूरा महादेव जाएगी कावड़? वाह बोले जी वाह, देखिए कितनी सुंदर कावड़ बनाई है बोले ने। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बोले अपने आप ही तैयार किया आपने, खुद से बनाई है? टोटल किसी का योगदान नहीं इसमें? नहीं थोड़ा है। क्या फ्रेम लिया था इसका? इसके अच्छा फ्रेम कहाँ से लिया था? हरिद्वार से लिया। अच्छा खाली फ्रेम लिया, बाकी सजाई अपने साथ अपने आप ही। ये देखिए दोस्तों अभी कावड़ के चारों ओर से दर्शन करा देते हैं आपको। ये देखिए डमरू है, वाह वाह बोले वाह, और गंगा जल, पवित्र गंगा जल साथ में, और तिरंगे के रूप में जो है महादेव का त्रिशूल लेके जा रहा है बोला। वाह बोले जी वाह। बोले जी आपके मन में कैसा है इस तरह की कावड़ ले जानी चाहिए? अच्छा आपने खुद से? अच्छा पहले भी लेंगे इस तरह का वाट? नहीं पहले तो ऐसी लेगा। कैसे? डंडे वाले। अच्छा डंडे वाले। अरे देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है जैसे ही बोला यहाँ पे आया है, तुरंत जो है यहाँ पे देखे कितना अच्छा मौसम हो गया है। और बताइए बोले यात्रा कैसे चल रही है? देखो सुंदर है ना कावट? बोले अकेले चल रहे कोई और भी चल रहा साथ में? अकेले ही? अरे वाह बोले, देख सकते हैं हनुमान जी की। कितने में पड़ गई हो, कितने में तैयार हो गई ये कावड़? बोले यहाँ पे 1000। 1000? अच्छा 2000 रुपए के आसपास।
वाह बोले जी वाह, देखो क्या दिमाग है बोले का, त्रिशूल वाली कावड़ लेके आया बोला। और देखो तूफान आ गया बोले, बारिश आने वाली है, शंकर भगवान ने सुन लिया आपकी। देखो पसीना आ रहा है बोले को, कितने दिन हो गए चलते हुए? अच्छा 3 दिन से लगातार चल रहे हो आप बोले जी, देख सकते हैं। कहीं पे रास्ते में ठहरते नहीं? अच्छा तो व्यवस्था अच्छी मिल रही सरकार की उत्तराखंड की, यूपी की? खाने पीने के लिए शिविर मिला कहीं, भंडारा वंडारा मिला? चलो यूपी में ही ज्यादा शिविर है, उत्तराखंड में तो कहाँ है? उत्तराखंड में एक ही जगह शिविर पड़ता है, वो भी नारसल के आसपास आगे सबसे पहला शिविर वही पड़ता है, छपार के पास। छपार के नहीं, छपार नहीं, नारसल के पास में वहीं पे ही है बस पहला जो सबसे बड़ा शिविर है इस दिल्ली ऋषिकेश आए का। बोले वहाँ पे जरूर जाया करो, और जो है बहुत सुंदर कावड़ लाए, कोई मनोकामना मांगे बोले सर? क्या क्या मनोकामना? अपने माँ बाप ज्यादा। अच्छा क्या करते हो बोले? बोले मैं अच्छा ठीक है, वाह बोले जी वाह, बहुत अच्छे, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे, और बारिश आ गई है बोले, आनंद लो बारिश का। अच्छा, बोल शंकर भगवान की जय बोले। देखे दोस्तों बोले की कावड़ देखे आप दिखा रहे हैं, हम एक बार फिर आपको दर्शन करा देते हैं, एक बार फिर आपके दर्शन करा रहे हैं, ये देखिए गजब की कावड़ है। बोल शंकर भगवान की जय, वाह बोले।